पूर्व सांसद व मशहूर अभिनेत्री जया प्रदा हुई फरार, गिरफ्तारी के आदेश हुए जारी। क्या है पूरा मामला जानने के लिए बने रहे वीडियो के अंत तक। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिटी वेब न्यूज में। रामपुर की पूर्व सांसद जया प्रदा को कोर्ट ने फिर से बड़ा झटका दे दिया है। आचार संहिता उल्लंघन के दो मामलों में फरार घोषित करते हुए उनकी गिरफ्तारी के आदेश जारी कर दिए गए हैं। अब गिरफ्तारी के लिए सीओ के नेतृत्व में टीम गठित की जाएगी। टीम को 6 मार्च से पूर्व सांसद को कोर्ट में पेश करना होगा। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान पूर्व सांसद जया प्रदा के खिलाफ केमरी और स्वार थाने में आचार संहिता के उल्लंघन के दो मामले दर्ज किए गए थे। इनमें विवेचना के बाद पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। स्वार में दर्ज एक मामले में गवाही पूरी हो चुकी है, जबकि केमरी के मामले में गवाही होना शेष है। इस मामले में जया प्रदा के बयान दर्ज होने थे, लेकिन पूर्व सांसद जया प्रदा 16 अक्टूबर 2023 से कोर्ट में हाजिर नहीं हो रही हैं। इसके बाद कोर्ट की ओर से 7 बार गैर जमानती वारंट जारी किए गए। एसपी को भी पत्र लिखकर उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करने को कहा गया था। अमर उजाला की रिपोर्ट्स के मुताबिक कोर्ट ने जमानतियों के खिलाफ भी पत्रावली खोली थी, लेकिन पूर्व सांसद कोर्ट में हाजिर नहीं हुई। मंगलवार को MP MLA मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट ने पूर्व सांसद जया प्रदा को कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर उनको फरार घोषित कर दिया है। साथ ही उनके खिलाफ फिर से गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। कोर्ट ने एसपी को पत्र लिखकर आदेश दिया है कि पूर्व सांसद की गिरफ्तारी के लिए सीओ स्तर के अफसर के नेतृत्व में टीम बनाकर 6 मार्च को कोर्ट में पेश करें। इस खबर से जुड़ी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए बने रहे सिटी वेब न्यूज पर।